अस्सलामु अलैकुम, माई नेम इज़ उसामा मजीद। टुडे माई लेक्चर इज़ फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट्स इसमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट फॉलोइंग मैट्रिसेस का। फर्स्ट पार्ट में है ए इक्वल माइनस 1, 1, 2, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है इक्वल, फर्स्ट में एंट्रीज को एज इट इज राइट करेंगे, माइनस 1, 1, 2, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, दरमियान में माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल माइनस 1, 0 जार माइनस 0, माइनस 2, 1 जार 2। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में है बी इक्वल 1, 3, 2, माइनस 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है इक्वल, फर्स्ट में एंट्रीज को एज इट इज राइट, 1, 3, 2, माइनस 2। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल 1 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, दरमियान में माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2, माइनस 2, 3 जार 6। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर इक्वल आ जाएगा माइनस 2, माइनस 6, माइनस का 8। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट में है स्टूडेंट्स सी इक्वल 3, 2, 3, 2। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल, फर्स्ट में एंट्रीज एज इट इज राइट करेंगे, 3, 2, 3, 2। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दरमियान में माइनस, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल 3, 2 जार 6, माइनस 3, 2 जार 6। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ सी का आंसर इक्वल आ जाएगा 6, माइनस 6, 0 के। तो ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट में है डी इक्वल 3, 2, 1, 4। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल, फर्स्ट में एंट्रीज एज इट इज राइट करेंगे, 3, 2, 1, 4। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल 3, 4 जार 12, माइनस 1, 2 जार 2। 12 में से 2 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ डी का आंसर इक्वल आ जाएगा 10 के। तो ये स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इनमें से अब स्टूडेंट्स फाइंड करना है कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर। सिंगुलर ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस जिनका आंसर 0 के इक्वल ना आए। फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल 3, 6, 2, 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, फर्स्ट में एंट्रीज एज इट इज राइट करेंगे 3, 6, 2, 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दरमियान में माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3, 4 जार 12, माइनस 2, 6 जार 12। अब स्टूडेंट्स 12 में से 12 माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर इक्वल आ गया 0 के। ए इज सिंगुलर, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स बी पार्ट सेकंड में, बी इक्वल 4, 1, 3, 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है इक्वल, फर्स्ट में एंट्रीज एज इट इज राइट करेंगे 4, 1, 3, 2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दरमियान में माइनस, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल 4, 2 जार 8, माइनस 3, 1 जार 3। 8 में से 3 माइनस करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर इक्वल आ जाएगा 5 के। बी इज नॉन सिंगुलर, बी का आंसर 0 के इक्वल नहीं है, तो बी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स सी इक्वल 7, माइनस 9, 3, 5। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल, फर्स्ट में एंट्रीज को एज इट इज राइट करेंगे, 7, माइनस 9, 3, 5। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल 7, 5 जार 35, माइनस माइनस प्लस 3, 9 जार 27। प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ सी का आंसर इक्वल आ जाएगा 62 के। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सी इज नॉन सिंगुलर, सी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, डी इक्वल 5, माइनस 10, माइनस 2, 4। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल, फर्स्ट में एंट्रीज एज इट इज राइट करेंगे, 5, माइनस 10, माइनस 2, 4। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 5, 4 जार 20,
माइनस माइनस प्लस और लास्ट पे फिर माइनस है तो माइनस का टू टेंस आर 20, 20 में से 20 माइनस करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी का आंसर इक्वल आ जाएगा जीरो के। तो स्टूडेंट्स डी इज सिंगुलर, डी मैट्रिक्स सिंगुलर है। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 1.5 हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज टू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.5 देन यू विल कमेंट मी। अल्लाह हाफिज़।